अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप खैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़म जलवाए दरबारे दिल्ली। सबसे पहले मैं अकबर इलाहाबादी की हालात ज़िंदगी पढ़ाऊंगी, फिर नज़म की तशरीह बताऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारे सवालों के जवाब देना आसान हो जाए, आप अच्छी तरह से इस सबक को समझें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ। सैयद अकबर हुसैन रिजवी नाम, इनका नाम क्या है? सैयद अकबर हुसैन रिजवी अकबर तखल्लुस था, ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। अकबर इनका तखल्लुस था और ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। बचपन ज़िला शाह आबाद में गुजरा। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ इलाहाबाद आ गए और यहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ पहले एक मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने एक मकतब में पढ़ा, फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए, लेकिन 1857 के इनकलाब के बाद तालीम जारी ना रख सके। मुलाजमत के इब्तिदा अर्जी नवेसी से की। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िला में नायब तहसीलदार हो गए। हाईकोर्ट के वकालत के इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया। उन्होंने क्या किया? हाईकोर्ट की वकालत के इम्तिहान पास किया और वकालत का पेशा इख्तियार किया। मुनसिफ के अहदे पर भी मामूर रहे। 1898 ईस्वी में उन्हें हुकूमत से खान बहादुर का खिताब मिला। कब उन्हें खिताब मिला? 1898 यानी 1898 में उन्हें खान बहादुर का खिताब मिला। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा। आखिरी ज़माना था क्या था? ज़हनी व जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद ही में इनका इंतकाल हो गया। अकबर को शायरी का शौक़ बचपन ही से था। उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की इब्तदा गज़ल गोई से की। कलाम पर इस्लाह ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली, जो आतिश के शागिर्द थे। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है। अकबर ने गज़ल ज़्यादा लिखा है और इनमें इतनी जान है कि इन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी इनफरादियत, इनकी तंज़िया मज़ाहिया शायरी में नज़र आती। इनकी निफरादी ये अलग इनको समझा जाता है, किसमें? तंज़िया व मज़ाहिया शायरी में नज़र आती। यही शायरी इनकी दायमी शहरत का बास बनी और इसमें कोई दूसरा शायर इनका हमसर ना हो सका। ये तंज़िया और मज़ाहिया शायरी इतनी अच्छी करते हैं कि इनका कोई दूसरा शायर इनका हमसर नहीं है। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी महज हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं, उन्होंने इसके ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम की मुनफी असरात और मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए और छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिए जो बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं लिया जा सकता था। अकबर इलाहाबादी अगरचा तंज़िया और मज़ाहिया शायर की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन इनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर मुश्तमल है। उन्होंने बहुत सी नज़मों के तर्जुमे भी किए हैं। उन्होंने बहुत से नज़मों के, यानी दूसरी ज़बान के जो नज़म थे उसमें उन्होंने उसके तर्जुमे उर्दू में किए हैं। आइए अब पढ़ते हैं जलवाए दरबार दिल्ली। ये अंग्रेज़ के ज़माने का है, जब लॉर्ड कर्जन और नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने 1930 ईस्वी में दिल्ली में दरबार किया और इसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने यह नज़म लिखी। लॉर्ड कर्जन जब हिंदुस्तान आए वायसराय की हैसियत से तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली में दरबार किया और इसी पर एक अकबर इलाहाबादी ने ये नज़म लिखी है। सर में शौक़ का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। सर में शौक़, यानी मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं दिल्ली का दरबार देखूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत हंगामा था, बहुत चारों तरफ चर्चा था कि दिल्ली में दरबार किया जाएगा, तो सबको बहुत शौक था ये दरबार देखने का। और जो कुछ मैंने देखा वो अच्छा देखा, और क्या बतलाएं कि क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हज़रत ड्यूक कनाट को देखा, यानी जमुना जी के साफ़ सुथरे पाट को भी देखा और
सबसे ऊंचे लाट को भी देखा। लाट कहा जाता है जब अंग्रेज हुकूमत की तरफ से इजाज़ मिलता है वहाँ के लोगों को, तो उसे क्या कहते हैं, आका और मालिक कहा जाता है लाट को। जो ऊंचे ओहदे वाले लोग होते हैं तो लाट माने क्या होता है, आका और मालिक होता है। और ड्यूक भी बड़े लोगों को, नवाब को, अमीर लोगों को ड्यूक कहा जाता। तो उन्होंने कहा कि जो भी नवाब थे, बड़े लोग थे, सबको उन्होंने देखा। पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे, काले देखे, संगीनी और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे। पलटन यानी फौज और रिसाले जो बंदूक ताने खड़े थे, गोरे और काले, सभी को उन्होंने देखा। और संगीनी यानी एक किस्म का ये होता है, एक नोकदार हथियार होता है जो बंदूक की नाल पे लगा जाता। और भाले ये सब कुछ देखा, और बैंड बजाने वाले भी देखे। खेमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और वरंगल देखा, इज्जत खाहों का दंगल देखा। वहाँ इतने खेमे लगे थे कि जंगल में मंगल हो गया था, यानी वहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह था। लेकिन जब दरबार दिल्ली किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग आए, और वहाँ पे क्या हो गया, खेमा ही खेमा लगा हुआ था, तो इसलिए खेमों का क्या हो गया, एक जंगल हो गया। और सब जंगल में मंगल हो गया, यानी कि बहुत सुनसान जगह में खूब चहल पहल हो गया, तो इसीलिए क्या हो गया, जंगल में मंगल हो गया। जंगल में मंगल एक कहावत है। और ब्रह्मा और वरंगल को भी देखा, यानी बड़े बड़े लोगों को देखा, और इज्जत खाहों का दंगल देखा, यानी सब बड़े लोग इसमें इस बात में थे कि मैं आगे रहूं या मैं आगे रहूं, अंग्रेज़ के सरकार के सामने मैं रहूं, मैं ज़्यादा देखूं। सड़कें थी हर कंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी, नूर की मौजें लंप से जारी, तेज़ी थी हर जंप से जारी। सड़कें थी यानी सड़कें, जो कैंप बना हुआ था, जो जंगल में खेमा लगा हुआ था, तो हर कैंप में सड़क की तरफ से रास्ता जा रहा था। और पानी हर पंप में था, यानी जितने भी पंप में थे हर जगह पानी जारी था। नूर की मौजें लैंप से जारी, यानी लैंप से नूर की रोशनी हो रही थी, और तेज़ी थी हर, यानी सब लोग इधर उधर दौड़े फिर रहे थे। जंप यानी कूदना होता है, अंग्रेजी वर्ड है, तो सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, यानी सब लोग जंप कर रहे थे। डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगा रंगी देखी। यानी पेड़ को डाली में नारंगी देखी, नहीं पेड़ में क्या हो गया था, बहुत खूबसूरत बल्ब सजा दिए गए थे, ऐसा लग रहा है कि डाली में नारंगी लगी हुई, और महफिल में सारंगी भी सजी हुई थी, और हर जगह रंगा रंगी थी। दहर यानी दुनिया, और पूरे दुनिया की मैंने वहाँ पर क्या देखी, रंगा रंगी देखी। अच्छे अच्छों को भटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचा लटका देखा, दिल दलवार से अटका देखा। अच्छे अच्छे लोग क्या थे, इधर उधर भटक रहे थे और भीड़ में धक्का खा रहे थे, झटका खा रहे थे, क्योंकि लोग भीड़ में इधर उधर हो रहे थे, इसीलिए इनका मुंह भी लटका हुआ था, लेकिन दिल क्या था, दरबार से अटका हुआ था कि दरबार दिल्ली कैसा होगा। हाथी देखे भारी बरकम, इनका चलना कम कम थम थम, जर्री झूले नूर का आलम, मिलो तक वो चमचम चमचम। हाथी भी थे भारी भरकम, और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, और ये बहुत जर्री झूले से ये सब सजे हुए थे, और मेलों का दूर दूर तक क्या था, सब कुछ चमक रहा था, चमचम चमचम चमक रहा था। कुर्ता पहले मस्जिद जामा, रोशनियाँ थी हर सू लामा, कोई नहीं था किसी का सामा, सबके सब थे दीद के तामा। पुरथा यानी मस्जिद जामा मस्जिद थी, सब जगह चारों तरफ से पुरथा भरा हुआ था, और रोशनियाँ थी हरसू लामा, यानी रोशनी हर जिस तरफ चमक रही थी, लामा यानी चमकने वाला, चमक रहा था। कोई नहीं था इस किसी का सामा, और कोई किसी का सुनने वाला नहीं था, सामा यानी सुनने वाला, कोई किसी का सुनने वाला ही नहीं था। सबके सब थे दीद के तामा, और सब लोगों को इस बात का लालच था कि हम कैसे दरबारे दिल्ली देखें, सबके दीद का तामा यानी लालच, देखने का लालच, सबको इस बात का लालच था कि हम दरबारे दिल्ली कैसे देखें। सुर्खी सड़क पर कटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी छुटती देखी, लुत्फ की दौलत लुटती देखी। सुर्खी यानी सड़क पर ईटा चूर करके पूरे सुर्खी से सड़क को सजाया गया था, और इस भीड़ में क्या हो रहा था, सांस भी घुट रही थी और आतिशबाजी बहुत वहाँ पे छुट रही थी। लुत्फ की दौलत लुटती देखी, यानी सब लोग बगैर पैसे के लुत्फ उठवा रहे थे और खुश हो रहे थे, लुत्फ अंदोज हो रहे थे। चौकी एक चौलक्खी देखी, खूब ही चक्खी पक्खी देखी, हरसू नेमत रखी देखी, शहद और दूध की मक्खी देखी।
चौकी चौलखे यानी 4 लाख, यानी बहुत कीमती चौकी वहाँ पर लगी हुई थी और खूब खूबसूरती से सब कुछ सजा हुआ था। हर सू नेमत यानी हर जगह नेमत रखी हुई थी और उस पर शहद की मक्खी और दूध की मक्खी भी आ गई थी। एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। मन्नो सलवा कहते हैं वो खाना जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आसमान से उतरा था, यानी बहुत लजीज खाना। तो कुछ लोगों के हिस्से में क्या हो रहा था, बहुत लजीज खाना आ रहा था और किसी के हिस्से में थोड़ा सा हलवा आ रहा था और किसी के हिस्से में सिर्फ भीड़ भाड़ ही आ रहा था। लेकिन मेरे हिस्से में क्या था, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका, तो मेरे हिस्से में सिर्फ दूर का जलवा था, यानी मैं सिर्फ दूर से देख रहा था। आज ब्रिटिश राज का देखा, परतू तख्तो ताज का देखा, रंगे जमाना आज का देखा, रुख करजन महाराज का देखा। ओज यानी बुलंदी। तो क्या था, उस वक्त ब्रिटिश राज की बुलंदी पर थी और तख्तो ताज पर भी सब बुलंद थे और ज़माने को भी हमने बदलते देखा, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पे मुग़लों का राज था और आज ब्रिटिश का राज है, और करजन महाराज का भी हमने रुख देखा। पहुँचे फांद के 7 समुंदर, तहत में इनके 20 बंदर, हिकमत व दानिश इनके अंदर, अपनी जगह अरे एक सिकंदर। ये लोग क्या है, 7 समुंदर पार से आए थे अंग्रेज़ों लोग, और इनके अंदर 20 बड़े बड़े लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत सिकंदर थे। हिकमत व दानिश इनके अंदर सब लोग एक से एक पढ़े लिखे और हिकमत दानिश वाले अकलमंद सब लोग थे, और अपनी जगह सब क्या सिकंदर थे। ओजे बख्त मुलाकी इनका, चरखे हफ्त का तबाकी इनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। ओज यानी होता है अक्स परछाई और मुलाकी यानी मिलने वाला। तो उनके मिलने वाले लोग बहुत थे, भरे पड़े थे, और चरख यानी होता है आसमान और हफ्त तबाकी यानी 7 आसमान, और 7 आसमान पर उनके क्या थे, उनका चर्चा था और उनके बादशाही थी, और महफिल भी उनका था और सब कुछ उनका था। लेकिन आंखें, सब कुछ उनका था, आंखें मेरी बाकी उनका, और मेरी सिर्फ आंख थी क्योंकि मैं सिर्फ वहां पर खड़ा होकर देख रहा था और बाकी सब कुछ उनका था। हम तो इनके खैर तलब हैं, हम क्या ऐसे ही सबके सब हैं, इनके राज के उमदा ढब हैं, सब सामाने ऐशो तरब हैं। यानी हम तो इनके खैर के तलब हैं, हम खैर खां हैं इनके, और हम क्या सब लोग ही इनके खैर खां हैं। और इनके राज के जो है उमदा ढब है, बहुत ही अलग ढब है, खुशी है इनके यहाँ, और सब सामानो ऐशो तरब हैं, यानी सब इनके यहाँ खुशी का सामान है, ऐशो इसरत का सामान है, शादमानी है, और सब कुछ इनके पास है। ये नज़म अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं लफ्ज़ और मायने। जलवा माने होता नुमाइश, संगीनी संगीन की जमा, एक नोकदार हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है। ब्रह्मा कहते हैं कायनात को पैदा करने वाला, इज्जत खा यानी इज्जत चाहने वाला, दहर यानी दुनिया, लामा चमकने वाला रोशन, और सामा सुनने वाला, और तामा लालच करने वाला लालची। चौलखे कहते हैं 4 लाख का यानी कीमती सामान। मन्ना सलवा वो खाना जो हज़रत मूसा की उम्मत पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आसमान से उतरा था, मुराद बहुत लजीज खाना। ओज बुलंदी और ऊंचाई, शान उरूज, परतू कहते हैं अक्स परछाई को, और मुलाकात यानी मिलने वाला, मुलाकात करने वाला। चरख आसमान फलक, चक्र पहिया, हफ्त तबाक यानी 7 तबाक वाला, मुराद 7 आसमान, और तर्ब यानी खुशी मुसर्रत और शादमानी। गौर करने की बात पढ़ते हैं। दिसंबर 1898 में लॉर्ड कर्जन नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान आए। उन्होंने 1930 में दिल्ली दरबार किया, दिल्ली में दरबार किया। इसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने ये नज़म लिखी है। दूसरे बंद में लॉर्ड और ड्यूक दो लफ्ज़ आए हैं। हिंदुस्तान में लॉर्ड को आम लोग लॉर्ड कहते हैं, ये बरतानिया का इजाज़ी खिताब है। इसके माने मालिक और आका के भी हैं। लॉर्ड किसे कहते हैं, इसके माने क्या होता है, मालिक और आका के हैं। गवर्नर या हाकिम सूबा के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। इस तरह ड्यूक भी खिताब है, नवाब रईस या अमीर के लिए भी ये खिताब इस्तेमाल होता था। जंगल में मंगल होना मुहावरा है, जिसके लगवी माने हैं वीराने में ऐश इशरत का सामान होना, या गैर आबाद जगह में रौनक और चहल पहल होना। दरबार दिल्ली के मौके पर कश्मीरी गेट से बाहर किंग्स वे के कैंप तक खेमे लगाए गए थे। कश्मीरी गेट से किंग्स वे
कैंप तक खेमे लगाए गए थे। इस वक्त ये जगह गैर आबाद और वीरान थी। खेमे लगने के बाद जब दरबार के लिए लोग यहाँ आए, खूब रौनक और चहल पहल हो गई। मिस्रे में इस जानिब इशारा है, अकबर इलाहाबादी अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल मान खेज अंदाज में करते हैं। इस नज़म में भी उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आइए पढ़ते हैं जलवाए दरबार दिल्ली का खुलासा। दिसंबर 1898 में लॉर्ड कर्जन ने इस नए वायसराय की हैसियत से हिंदुस्तान आए। इन्होंने 1933 में दिल्ली दरबार किया। इसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने यह नज़म लिखी है। ये तंजिया नज़म है। ये कैसी नज़म है, आपको एग्ज़ाम में आएगी ये कैसी नज़म है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तंजिया नज़म है। इस नज़म की खूबी बरजस्तगी और रवानी है। नज़म का हर बंद एक अलग कैफियत रखता है और हर बंद में तंज छुपा हुआ है। हम जितना भी नज़म पढ़ा और जितना बंद है, सब में क्या है, एक तंज छुपा हुआ। अकबर दरबार दिल्ली देखने आए तो उन्होंने दरियाए जमुना का पाट, साफ सुथरे घाट, पलटन, रिसाले, हथियारबंद गोरे काले फौजी, बैंड बजाने वाले देखे। शहर दिल्ली में कश्मीरी गेट से किंग्सवे कैंप तक खेमों का एक जंगल था। हर शख्स इस दरबार के कामों में मसरूफ था। साफ सुथरी सड़कें, पानी, रोशनी का माकूल इंतज़ाम था। लोगों का हुजूम था, अच्छे अच्छे यहाँ भटक रहे थे। इनका दिल दरबार में अटका हुआ था। हर तरफ नेमतों का अंबार था। इस कदर भीड़ थी कि अकबर ने दूर ही से जलवा देखा। आखिरी चार बंदों में अकबर ने ब्रिटिश राज का उरूज, इनके तौर तरीक़े की तारीफ की है, इसी के साथ तंज भी किया है। आइए अब देखते हैं नज़म की तशरीह। सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा। जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत डीव कनाट को देखा। आइए इसकी तशरीह पढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि हमें भी शौक हुआ कि दिल्ली जाकर दरबार दिल्ली का जलवा देखें। वो दिल्ली आए, दरियाए जमुना का पाट और साफ सुथरे घाट देखे, सबसे ऊंचे लाट और ड्यूक कनाट के दीदार किए। पलटन फौजी रिसाले हथियारबंद गोरे काले फौजी थे और इन्हीं के साथ बैंड बजाने वाले भी मौजूद थे। दूर तक खेमों का जंगल था। जिधर नज़र जाती थी खेमे ही खेमे थे। इस दरबार दिल्ली के लिए बुलंद मरतबा इज्जतदार लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा था कि वो किस मुकाम पर रहेगा, इसका खेमा कहाँ होगा, वो अंग्रेज़ हुक्मरान के किस कदर नज़दीक रहेगा। आइए आगे चंद नज़म जो है उनका तशरीह देखते हैं। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि खेमे लगाने में यह एहतमाम किया गया था कि हर कैंप का अलग रास्ता था जो सड़क तक जाता था। हर तरफ पानी के पंप लगे हुए थे, रोशनी के लिए लैम्प थे। हर शख्स तेज़ी से दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। कहीं सजावट ज़्यादा थी और कहीं कम। माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए दरख्त की टहनों पर मसनूई नारंगियाँ लगाई गई थीं। महफिल मौसीकी में सारंगी बज रही थी। इस कदर लोग थे और इतनी रौनक थी, मालूम होता कि पूरी दुनिया यहाँ सिमट आई है। लोगों के हुजूम में अच्छे अच्छे भटक रहे थे, भीड़ में धक्के लग रहे थे, इसी वजह से लोगों के चेहरे लटके हुए थे, मगर दिल दरबार में अटका हुआ था। भारी भरकम कम हाथियों की कमर पर सुनहरी काम वाली झूले पड़ी हुई थी। वो ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जिधर नज़र जाती थी मीलों तक रौनक नज़र आ रही थी। आइए इस हिस्से का देखते हैं तशरीह। अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि जामा मस्जिद के इतराफ़ में भी लोग मौजूद थे। हर तरफ रोशनी से इलाका जगमगा रहा था। इस कदर भीड़ थे कि कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। सबके सब इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि किसी तरह दरबार का जलवा देखें। सड़कों का पुर सुर्ख बजरी कूट कर डाली गई थी। भीड़ में सांस लेना मुहाल था। आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। मुफ्त में लुत्फ अंदोज होने के सामान थे। लुत्फ की दौलत लुटती देखी थी से मुराद है बगैर कोई पैसा खर्च किए लुत्फ हासिल करना। दरबार के लिए एक बहुत कीमती चौकी का अहतमाम किया गया था। हर तरफ नेमतें रखी हुई थीं। इसके साथ शहद और दूध पर बैठने वाली मक्खी भी मौजूद थी। अकबर का तंज है, मगर आलम यह था कि किसी के हिस्से में लजीज खाने आ रहे थे, किसी के हिस्से में सिर्फ हलवे पर इक्तफा करना पड़ा था। कोई भीड़ और हंगामों का हिस्सा बना हुआ था। अकबर कहते हैं मेरे हिस्से में दूर का जलवा
یعنی میں نے دور ہی سے دربار دہلی منعقد ہوتے دیکھا۔ آگے دیکھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، اس موقع پر برٹش حکومت کا عروج نظر آیا، تخت و تاج کی چمک دیکھ کر آج کے زمانے کا رنگ کا خیال آیا، وقت کس قدر بدل گیا، کبھی یہاں مغلوں کی حکومت تھی اور اب تخت پر لارڈ کرزن تشریف فرما۔ انگریز ہندوستان میں سات سمندر پار سے آئے تھے، ان کے ساتھ 200 اعلیٰ افسر تھے جن میں عقلیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور ہر ایک اپنی جگہ سکندر تھا۔ اس وقت انگریزوں کی خوش نصیبی پورے عروج پر تھی، ان کی وسیع حکومت اور سلطنت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ساتویں آسمان تک انگریزوں کی حکومت ہے۔ انگریزوں کی محفل تھی اور اس محفل میں وہی چھائے ہوئے تھے، میری آنکھیں ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھیں۔ آخری بند میں اکبر کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، اور ہم ہی نہیں سب ہی لوگ ہماری طرح یہی خواہ ہیں، کیونکہ ان کے حکومت کرنے کا طریقہ عمدہ ہے اور عیش و عشرت کے سامان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اکبر یہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ طنز کر رہے ہیں۔ آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر ایک ہے، سر میں شوق کا سودا دیکھا سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، سر میں شوق کا سودا دیکھا سے مراد یہ اشتیاق پیدا ہوا اور دماغ میں یہ خیال آیا کہ دہلی جا کر دربار کا جلوہ دیکھا جائے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس مصرے میں شاعر نے کس منظر کی عکاسی کی ہے؟ جواب لکھیں گے، جنگل میں چونکہ بے شمار درخت ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہی حال خیموں کا تھا، دور تک لگے ہوئے تھے، بکثرت خیمے دیکھ کر شاعر کو جنگل کا خیال آیا۔ میرا حصہ دور کا جلوہ شاعر نے کیوں کہا، وضاحت کیجیے۔ جواب لکھیں گے، چونکہ شاعر نے دور سے نظارہ کیا، وہ قریب سے دربار دہلی کا مشاہدہ نہ کر سکا، علاوہ ازیں بھیڑ بھاڑ ہونے کے بعد وہ کھانے پینے کی اشیاء تک نہ پہنچ سکا، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ لوگوں کے حصے میں بہت سی نعمتیں آئیں مگر میرے حصے میں دور کا جلوہ تھا۔ عملی کام دیکھتے ہیں، اس بند کے ردیف اور قافیے کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں جو ردیف اور قافیے ہیں دیکھتے ہیں، سڑکیں تھیں ہر کمپ سے جاری، پانی تھا ہر پمپ سے جاری، نور کی موجیں لمپ سے جاری، تیزی تھی ہر جمپ سے جاری۔ یہ جو ہے کمپ، پمپ، لمپ اور جمپ، یہ سب قافیے ہیں، اور یہ چاروں کیا ہے؟ انگریزی زبان کے لفظ ہیں۔ کمپ یعنی کیمپ، اور پمپ نل کو کہتے ہیں، لیمپ یعنی روشنی، لیمپ جو جلتا ہے، اور جمپ یعنی کودنا، یہ سارے انگریزی الفاظ ہیں۔ اور یہ ردیف کیا ہے؟ سب میں جاری جاری، یہ سب کیا ہے؟ ردیف۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں، اگلی بار پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔